हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। काफी सारे पेशेंट्स हमें इंक्वायरी आ रही थी, तो डायबिटिक फूड के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहेंगे। हमारे डायबिटिक फूड की ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमारी यूट्यूब की चैनल पे है, लेकिन उसके अलावा जो भी नए कंसेप्ट कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करके आपको उसकी माहिती देंगे। सर, डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स में अल्सर का क्या अगत्यता है? डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स में तीन चार प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनको सेंसेशन लॉस होते हैं, उनकी मोटर नर्व्स बिगड़ जाती है और उसकी वजह से उनको चलने में उनके फूड डिफॉर्म हो जाते हैं और उनको अल्सर पड़ते हैं। तो अल्सर का इम्पोर्टेंस क्या है? अल्सर का इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी डायबिटिक फूड में जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जैसे कि गैंग्रीन हो जाना या सेलुलाइटिस हो जाना या पैर काटना पड़ना या डायबिटिक के इन्फेक्शन की वजह से किसी का डेथ हो जाना, तो वैसे जो भी मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो सब मेजर कॉम्प्लिकेशंस में 85% कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आगे छोटा सा एकदम सिंपल सा दिखने वाला अल्सर होता है। तो ये जो अल्सर होता है वो दिखने में बहुत छोटा रहता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन आपको कर सकता है। अगर आप ये अल्सर की ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस में आपको नहीं जाना पड़ता है। इसलिए डायबिटिक फूड में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें अल्सर्स को ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटिक फूड का जो है उसमें हम स्टेजिंग अगर देखते हैं तो पहला स्टेज होता है कि आपको कॉर्न या कैलस हुआ है, दूसरा स्टेज है कि जिसमें अल्सर हुआ है लेकिन अभी वो इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वो अंदर किसी भी चीज़ को मान अंदर की कोई भी नस को या टिश्यू को जुड़ा नहीं है, तीसरा स्टेज में माइनर इन्फेक्शन हो गया है वैसा अल्सर हो सकता है, और चौथे स्टेज में आपको जो है वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, आपका पैर या लाइफ वो जोखिम में हो गया है, उस टाइप का डायबिटिक फूड का इन्फेक्शन होता है। तो जो अल्सर्स हैं माने वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हो, उसकी अगर हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 माने लिम्ब थ्रेटनिंग या लाइफ थ्रेटनिंग माने पैर गंवाना या जान गंवाना वैसी सीरियस कंडीशन में आप नहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए डायबिटिक फूड में अल्सर जब छोटा है तभी उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो सर, ये डायबिटिक फूड अल्सर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है? अभी तक जो भी ट्रीटमेंट डायबिटिक फूड के लिए चल रही है, आप डायबिटिक फूड में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एक बार अल्सर हो गया उसी के बाद ही डायबिटिक फूड की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन डायबिटिक फूड की ट्रीटमेंट आइडियली प्रिवेंटिव ज्यादा होनी चाहिए कि आपको अल्सर पड़े ही नहीं। अल्सर ना पड़े उसके लिए किस टाइप का फुटवेयर पहनना चाहिए, क्या क्या फुट केयर लेनी चाहिए, उसके लिए हमारा यूट्यूब पे अलग वीडियो है। लेकिन इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट्स है उसमें अभी मैं आपको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, तो अलग अलग टाइप के नॉन वेट बेयरिंग, अभी तक क्या माना जाता था कि आप जब चलते हैं आपकी हड्डी और नीचे की जमीन उसके बीच में वो चमड़ी दबती रहती है और वहां पे अल्सर पड़ता है। वो हकीकत है कि ऐसे ही अल्सर पड़ता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रीटमेंट था वो प्रेशर को कैसे हटाए उसके ऊपर था। तो आप प्रेशर को ऐसे हटा सकते हैं कि जहां पे अल्सर है उसके नीचे के फुटवेयर में आप खड्डा बना दीजिए तो वहां पे प्रेशर नहीं आएगा, या ऐसा कोई फुटवेयर बना दीजिए जिससे सब जगह पे सही वेट आ जाए, तो वो सब ट्रीटमेंट चलती थी। उसके अलावा थोड़ा सा आपको गेट ट्रेनिंग और प्रोसेसिस और बूट बना के देते थे कि ये बूट आप पहन के रखो तो आपको अल्सर नहीं होगा या आपका अल्सर अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर 21 दिनों के लिए या 6 हफ्तों के लिए आपको प्लास्टर दे दिया जाता था जिसमें आप चलते नहीं थे, या अगर आप चलते भी हैं तो वहां पे वजन नहीं आए, ऐसा आपको ट्रीटमेंट अभी तक एज ओल्ड ट्रीटमेंट है जो आपके प्रेशर को हटा देगा और आपका अल्सर हील जाएगा, हील हो जाएगा, वैसा आपका ट्रीटमेंट अभी तक चलता है। इसके अलावा अगर अल्सर बहुत बिगड़ गया है तो साफ सफाई, डिब्राइडमेंट और बड़ी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको ढकने का
जो ट्रीटमेंट है वो रूटीनली होता है। तो सर डायबिटिक फूड के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स आपने बताई उसमें कोई रिसेंटली कोई नई ट्रीटमेंट्स आई है? अभी अभी बहुत सा रिसर्च हुआ है डायबिटिक फूड में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है अभी सेकंड आ गया है डायबिटिक कैपिटल में, और सोच रहे हैं कि 2030 में इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल बन जाएगा। मतलब इतने सारे डायबिटिक्स पेशेंट अपनी रहन सहन की वजह से, अपनी जेनेटिक्स की वजह से, अपनी फूड हैबिट्स की वजह से इंडिया में बन जाएंगे। तो ये जो डायबिटिक फूड है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होके सामने आने वाला है। और ये डायबिटिक फूड का इम्पोर्टेंस क्या है, आप समझो कि अगर आपका एक अल्सर है वो जो है आपको हुआ, तो उसको आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और उसमें से आपको कंटिन्यूस जोखिम चालू रहता है जब तक वो अल्सर हील नहीं होता है। तो इसीलिए डायबिटिक फूड पे बहुत सारा रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में ये पता चला कि ये जो ट्रीटमेंट अभी तक हम कर रहे हैं, जैसे कि बूट में खड्डे पड़ना या कास्ट देना या कोई भी ट्रीटमेंट जिससे हम अल्सर को मिटा तो सकते हैं, माने अल्सर हील तो हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे पेशेंट कास्ट के बिना चलता है वो ही अल्सर वो ही जगह पे उसको वापस होता है। या फिर अपनी संस्कृति ऐसी है कि हम घर में चप्पल नहीं पहनते हैं, किचन में जाते हैं रसोई घर में वहाँ पे चप्पल नहीं पहनते हैं, बाहर मंदिर में जाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते हैं, अगर किसी के घर जाते हैं तो घर में चप्पल लेके नहीं जाते हैं। तो वैसे में डायबिटिक फूड के जो पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यूस जो उनके लिए बनी है वो चप्पल नहीं पहन पाते हैं, और इसीलिए रिपीटेडली वहाँ पे अल्सर पे प्रेशर आता ही रहता है, और वो प्रेशर आता रहता है तो आप सोचो कि वो अल्सर कैसे हील होगा, या अगर हील हो गया अल्सर वो कितने दिन तक हील रहेगा। दूसरा कि डायबिटिक फूड के जो चप्पल सभी अवेलेबल हैं उनका कॉस्मेटिक लुक अच्छा नहीं होता है, वो बड़े बड़े चप्पल्स होते हैं तो कहीं और फंक्शन में पहन के जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्मेटिक लुक अच्छा नहीं होने से वो पहनने के लिए भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो पेशेंट्स उसको ले तो जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से जो उनको पहनना चाहिए वैसे पहन नहीं सकते हैं, अगर पहनेंगे तो भी महीना पहनेंगे, दो महीना पहनेंगे, चार महीना पहनेंगे, फिर वो थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो हील हो गया है माने मीट गया है, अच्छा हो गया है, वो अल्सर वापस से वो ही जगह पे हो जाता है। तो पेशेंट की एक तो उसकी कंडीशन हिल जाती है कि भाई ये अल्सर तो वापस वापस हो रहा है, ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, या ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस ट्रीटमेंट से हिल जाता है, और इसके अलावा उनका जोखिम चालू रहता है, जो ट्रीटमेंट करके उन्होंने ये अल्सर मिटाया वापस खर्चा चालू हो जाता है। उसके अलावा उनको लाने ले जाने का कोई साथ में फैमिली मेंबर है उसको उसके साथ में रजा लेके आने का, वो सब आप एक्सपेंस गिनो तो बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि ये अल्सर वापस क्यों हो जाता है, एक बार मीटा हुआ अल्सर क्यों वापस होता है, तभी उनको समझ आया बायोमैकेनिक्स ऑफ फूट, माने फूट अपना जहाँ पे हम चलते हैं जो पैर का नीचे का भाग है जिसको हम सोल बोलते हैं या पानी बोलते हैं पैर की, जिसके ऊपर पूरे शरीर का वजन ट्रांसफर होता है, वो जो है उसका बायोमैकेनिक्स लोगों ने समझा, और लोगों ने समझा कि आप अगर पैर में अल्सर देखते हैं तो एक दो स्पेसिफिक जगह होती है कि भाई अंगूठा है तो अंगूठे के ऊपर होगा या अंगूठे के नीचे होगा, या फिर ये जो सबके हेड होते हैं वहां पे होगा, या फिर हील पे अल्सर होगा, या फिर नी ऊपर अल्सर, तो जो भी अल्सर है उसमें से कॉमनेस्ट अल्सर चार या पांच टाइप के ही होते हैं, और वो चार या पांच टाइप के जो अल्सर हैं वो उनका स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स है कि ये प्रॉब्लम होता है तभी यहाँ पे अल्सर होता है, अगर प्रॉब्लम का टाइप बदल जाता है तो अल्सर का जगह बदल जाता है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो अल्सर यहीं पे होगा। तो वो डिसीजन उन्होंने रिसर्च किया कि यहाँ पे अल्सर क्यों होता है। अभी अल्सर क्यों होता है जब पता चल गया, अभी तक ट्रीटमेंट क्या था, आप प्रेशर हटा दो अल्सर मिट जाएगा, अभी क्या है कि रिसर्च करके ऐसा ढूंढ लिया गया कि अल्सर क्यों होता है, वहां पे प्रेशर क्यों आ रहा है, अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर आ रहा है, आज से पहले तो नहीं आ रहा था अभी क्यों आ रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ढूंढ ली गई है,
और वो प्रॉब्लम्स जब ढूंढ ली गई है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी पता चल गया है। जैसे आपको अगर आपका रोग पता नहीं है और आप ट्रीटमेंट करते जाओ तो वो मिटने वाला नहीं है, लेकिन एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि भाई हाँ ये रोग है और आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो जल्दी ठीक होना ही है। वैसे रिसेंट कॉन्सेप्ट डायबिटीज में जो है वो है कि आप अपने फूड का बायोमैकेनिक्स चेंज कर सकते हैं। जिस बायोमैकेनिक्स माने जिस फॉल्टी जो खराब बायोमैकेनिक्स हो गई है डायबिटीज में, आपकी नर्व्स बंद हो जाने से या डायबिटीज में आपकी ब्लड वेसल्स बंद हो जाने से या डायबिटीज में आपके मसल टाइट हो जाने की वजह से जो पहले नॉर्मल बायोमैकेनिक्स थी अभी बिगड़ चुकी है और जिसकी वजह से अल्सर हो रहा है, तो बिगड़ी हुई बायोमैकेनिक्स को आप सर्जरी करके अंदर से ठीक कर सकते हैं वापस। और जब अंदर से बायोमैकेनिक्स ठीक हो जाती है तो वो जगह पे प्रेशर आना ऑटोमेटिकली अंदर से बंद हो जाता है। तो जब अंदर से ही प्रेशर नहीं आता है तो आपको बाहर कोई स्पेशल शूज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर आप अपने पैरों पे आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई बड़ा बहुत बड़ी केयर लेके हमेशा डर डर के जो जीना पड़ता था वैसा अभी नहीं जीना पड़ता है। तो ये जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है कि टेंडन ट्रांसफर करके या नसों की जगह बदल के या हड्डी को फिक्स करके या प्रेशर वाली हड्डी निकाल के या जो भी छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स होती है वो सब ट्रीटमेंट करके आप डायबिटीज अल्सर को हील तो कर सकते हैं, माने मिट भी जाता है वो अल्सर ये ट्रीटमेंट से। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बहुत लंबे समय तक मीटा हुआ माने हील हुआ रहता है, वहां पे वापस नहीं होता है। माने जो पुरानी ट्रीटमेंट थी जिसमें जैसे पेशेंट ने चलना चालू किया वैसे वापस से अल्सर हो जाता था, वो प्रॉब्लम अभी नए कॉन्सेप्ट में नहीं है। माने जो अल्सर एक बार मीट किया है वो लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक, किसी किसी को अगर आप पैर की केयर लेते हैं तो लंबे समय तक वो मीटा हुआ रहता है। तो ये नए कॉन्सेप्ट बायोमैकेनिक्स चेंज के अभी डायबिटिक फूड केयर में आए हैं। तो सर ये नए ट्रीटमेंट के फायदे क्या होते हैं? नई ट्रीटमेंट के फायदे जैसे मैंने बताया वो ही है कि आप एक बार जो अल्सर आपका हील हो गया लंबे समय तक मीटा हुआ रहेगा, आपको इन्फेक्शन का जो डर रहता है अल्सर की वजह से कि मुझे गैंग्रीन हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा, सेल्यूलाइटिस हो जाएगा, जान चली जाएगी, वो सब जोखिम से आपको परमानेंट मुक्ति मिल जाती है। दूसरा कि आपको घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास जाके, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के अल्सर 15-20 सालों तक मिटते ही नहीं है और वो अल्सर की इतनी सारी महंगी महंगी ड्रेसिंग मटेरियल आती है, ड्रेसर का चार्ज लगता है, ड्रेसिंग मटेरियल का चार्ज लगता है, उस पेशेंट के साथ में किसी को चल लेके उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो बहुत एक्सपेंस, हिडन एक्सपेंस सालों साल तक ये चलता रहता है। तो वो जो ड्रेनेज ऑफ मनी है वो भी आपका बंद हो जाता है। और उसके अलावा ये अंदर से ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बाहर अल्सर होने का चांस नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल अच्छा सा फुटवेयर आपको जो डॉक्टर देते हैं वो फुटवेयर, कॉस्मेटिक का फुटवेयर पहन के भी आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप घर में या मंदिर में भी बिना चप्पल पे भी घूमना चाहे तो अगर ये ऑपरेशन किया है तो आप घूम सकते हैं। तो ये नए सर्जरी के बहुत सारे फायदे हैं। तो सर ये नई ट्रीटमेंट गुजरात में कहाँ हो सकती है? गुजरात में अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है। मैं डॉक्टर आशुतोष सर, मैंने अभी ये ट्रेनिंग ली हुई है और रिसेंटली हम लोग ये डायबिटिक फूड केयर का क्लिनिक हम सूरत में चालू करने वाले थे, जो हमारा काम अभी चालू है ये कोविड की वजह से जो लेट हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास अभी एप्पल हॉस्पिटल में, यूनाइटेड ग्रीन हॉस्पिटल और मैत्रेय हॉस्पिटल में हमारा ये डायबिटिक फूड केयर का प्रोग्राम चालू है और वहाँ पे हमारे पास ये नए कॉन्सेप्ट से आपकी डायबिटिक फूड की अल्सर की ट्रीटमेंट हो सकती है। और ये अल्सर एक बार मिट गया तो बहुत लंबे समय तक मीटा रहने का चांस आपको मिल सकता है। मैंने गुजरात में अभी खाली हमारे क्लिनिक में मेरे पास ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और मैं चाहूँगा बहुत सारे लोग इसमें आए और बहुत सारे जो डायबिटिक फूड की पेशेंट्स हैं जिनको दूर दूर तक ये ट्रीटमेंट पहुँचे, ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी हमारे पास, हमने चालू कर दिया है,
वैसे बाकी के लोग भी चालू करें और बाकी सब लोगों तक ये ट्रीटमेंट पहुंचे। आपके यहाँ पे डायबिटिक फूड के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? हम अभी जो है हमारे पास बाकी नॉन सर्जिकल जो मेथड थी, मैंने कैलस निकालना, कॉर्न निकालना, वो है। इसके अलावा पीडोबेरोग्राम, माने जिससे हम ढूंढते हैं कि चलते समय प्रेशर कहाँ पे खराब आ रहा है, माने कहाँ पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट है डिजिटल मेजरमेंट, वो मशीन भी हमारे पास है जिससे पता चलता है कि चलने के टाइम के आपको यहाँ पे प्रेशर आता है। और उसके अलावा ये ऑपरेशन कर देने के बाद जब आप चलते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिवली भी वो डिजिटल मशीन होता है उसमें पता चलता है कि हाँ पहले मैं चलता था यहाँ पे इतना प्रेशर आता था, अभी ऑपरेशन हो गया यहाँ पे प्रेशर घट गया, तो वो डिजिटल मेजरमेंट भी आपको मिल जाता है कि आपका प्रेशर सही में कम हो गया है चलते हुए। और ये डायबिटिक के फुट के अल्सर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत शुरुआत में नहीं पड़ती है। तो जब आप बायोमैकेनिक्स चेंज कर देते हैं तो वो अल्सर अपने आप 21 दिनों में मिट जाते हैं और मिटे हुए रहते हैं लंबे समय तक। और अगर हम प्लास्टिक सर्जन हैं तो ये जो अंदर का जो बायोमैकेनिक्स चेंज करने का जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि बोन को हटाना या किसी नस को किसी और जगह से लेके किसी और जगह पे ट्रांसफर करना, या फिर किसी जो नसें टाइट हो गई है उसको रिलैक्स करना, या फिर नसों को रिलैक्स हो गई है, खींच गई है तो उसको वापस से नॉर्मल टेंशन में लाना, तो ये काम हम रेगुलरली कर रहे थे। तो वही प्रिंसिपल जो प्लास्टिक सर्जरी के हैं वो अभी हम डायबिटिक फुट में अप्लाई करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन में हमारे पास अभी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा नॉन सर्जिकल, जैसे मैंने बताया कि कॉर्न कैलस का ट्रीटमेंट है, गेट ट्रेनिंग है, हमारे साथ में हमने एज अ ये क्लिनिक में प्रोस्थेटिस्ट को भी साथ में रखा है जो आपके लिए कॉस्मेटिक फुटवेयर आपके जो प्रेशर है पैर का उसके हिसाब से आपको बना के देगा। और इसके अलावा हमारे साथ पोडियाट्रिस्ट भी हैं जो आपकी माइनर प्रॉब्लम्स है उसको हम ट्रीट करके देते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट को इनग्रोइंग टोनेल हो जाते हैं, तो वो इनग्रोइंग टोनेल से भी इन्फेक्शन हो सकता है डायबिटिक पेशेंट को, तो इनग्रोइंग टोनेल की सर्जरी भी हमारे यहाँ पे होती है। और इसके अलावा जो भी फूड केयर है या सिंपल सा, अगर काफ़ी सारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं एल्डरली अलग अलग रहते हैं तो उनको नाखून काटने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों अगर हस्बैंड वाइफ एजेड हैं दिखता नहीं है तो नाखून काटने में से भी डायबिटिक वाले पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए नाखून काट के देना वैसी माइनर चीज़ें भी हमारी क्लिनिक में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे साथ में हमने टाइप्स किए हुए हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से और फिजिशियंस से जो आपको डायबिटिक की शुगर कंट्रोल आपको करके देंगे। और बहुत सारे हमारे वेस्कुलर सर्जरी के फ्रेंड्स भी हैं, तो अगर आपके डायबिटीज़ की वजह से आपकी खून की नलियाँ बंद हैं तो उसको चालू करने का जो एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन होता है वो भी वो लोग करके देते हैं। लेकिन ये जो पूरी टीम है वो हमारी अंडर में है, माने प्लास्टिक सर्जन एज अ हेड ये टीम में रहते हैं और उसके साथ में बाकी के जो मेम्बर्स हैं वो भी उनका इतना ही अगत्य का काम ये करते हैं। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ उसकी वजह से क्या होता है कि अल्सर को प्रिवेंट करना वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है अभी, तो उसके साथ में बाकी लोगों का भी इम्पोर्टेंस इतना ही है, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वेस्कुलर सर्जन, पोडियाट्रिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ये सब की टीम लेके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी जो भी रिसेंट न्यू कॉन्सेप्ट हैं वो सब हमारी क्लिनिक में अवेलेबल है। और हमने देखा हुआ है हमारी ट्रेनिंग के दरमियान कि 5 साल 10 साल के भी पुराने जो अल्सर्स हैं वो भी यहाँ पे हील हो जाते हैं। दूसरा कि बेसिकली हम लोग प्लास्टिक सर्जन हैं, तो अगर आपको सेल्यूलाइटिस हो गया है, बहुत ही खराब आपका इन्फेक्शन है, तो उसको कैसे साफ सफाई करना, या फिर आपका अल्सर है बड़ा तो उसको कैसे ढकना, वापस प्लास्टिक सर्जरी करके चमड़ी कैसे लाना, फ्लैप कैसे करना, स्किन ग्राफ्टिंग कैसे करना, पैर को वापस से अच्छे शेप में कैसे लाना, वो सब हमारी प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग यहाँ पे काम में आती है। तो डायबिटिक फूड केयर के लिए प्लास्टिक सर्जन आपके लिए बेस्ट चॉइस होते हैं, तो वो आपके अल्सर को मिटा भी सकते हैं और लंबे समय तक वो मिटा रहे उसकी भी वो टेक केयर करते हैं।
सर डायबिटिक फूड के लिए हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि फूड अल्सर को लाइटली ना ले, क्योंकि ये छोटा सा सिंपल सा दिखने वाला फूड अल्सर महीने के बाद आपको पैर या आपकी जान का जोखिम बन सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल डायबिटिक की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायबिटिक फूड की केयर कर रहे हैं, वो अपनी तरह से गलत नहीं है। जो एज ओल्ड ट्रीटमेंट चालू है वो ट्रीटमेंट आज तक मेडिकल साइंस उसी ट्रीटमेंट को करता था, तो वो ट्रीटमेंट गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे केस में ये सर्जरी करने के बाद भी हमें वो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है प्रेशर अवॉइड करने के लिए, वो चीज़ें गलत है ऐसा नहीं है। लेकिन जो साइंस में रिसेंट चीज़ आई है, जैसे कि मैं खाली आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज से पहले अगर किसी का पित्ताशय माने जो गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी थी तो उसमें यहाँ से यहाँ तक का कट, इतना बड़ा कट लगता था। जब भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी आई तो 1 सेंटीमीटर के 3 होल से ये पूरा सर्जरी हो जाता है। उसमें पेशेंट को 15-20 दिन दाखिल रखना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे, जबकि इसमें पेशेंट को दूसरे दिन छुट्टी मिल जाती है। तो जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारे रिसर्च के बाद आती है, अच्छी टेक्निक होती है, तभी वो मार्केट में आती है। तो डायबिटिक फूड केयर के लिए भी जो रिसेंट ऑपरेशन जो आए हैं, तो वो जो ऑपरेशन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और टाइम टेस्टेड हैं। अभी बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ये करना चालू कर दिए हैं। गुजरात में अभी ये ऐसा कोई भी ट्रेनिंग लेके स्पेशली इसके लिए चालू नहीं किया है, लेकिन अपने कंट्री में बहुत सारे सेंटर्स पे अभी ये धीरे धीरे सब चालू हो रहा है। गुजरात में शायद हम हैं जो पायोनियर इसमें हैं, और ये हमने बड़े पैमाने पे डायबिटिक फूड के जो भी पेशेंट्स हैं अपने सूरत और साउथ गुजरात और बड़ौदा जो भी अहमदाबाद जहाँ से भी लोग आना चाहते हैं, तो वो डायबिटिक फूड के लिए हमने अभी स्पेशल सेंटर खोल के ये चालू किया है। तो आप उसका लाभ लें। आपके अगर किसी को ऐसा नॉन में ऐसा है कि जिसको अल्सर हील नहीं हो रहा है, या किसी का अल्सर आपको चाहिए कि वो मिट जाए, वो लंबे समय तक मिटा रहे, तो हम जो पढ़ के आए हैं, जो हमने ट्रेनिंग लेने के लिए हमने जो उसके लिए खर्च किया है, हमने जो हमारा टाइम दिया है और हमने जो पेन्स लिया है, वो पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, माने जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे उसमें अपडेट कैसे कर रहे हैं। तो वो जो भावना है कि पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिले, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिले, वो हमने उसकी ट्रेनिंग ली है, तो उसका फायदा लोगों को मिले बस, तो वही हमारा वो आशा है। सर डायबिटिक फूड वाले पेशेंट को अगर आपका कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारे कांटेक्ट डिटेल, एड्रेसेस और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारी जो वेबसाइट है www.drashutoshsah.com पर जा सकते हैं इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह, उसके ऊपर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। ये QR कोड स्कैन करके आप वहाँ पे सीधा जा सकते हैं। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और ये सारी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं और हम सभी पेशेंट्स को उनके अच्छे रिव्यूज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, और आपके समय के लिए भी आपके आभारी हैं। थैंक यू।